हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना रायतला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। पिछले वीडियो में स्टूडेंट आपको निषेचन, प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी के बारे में अध्ययन कराया गया था। इस वीडियो में स्टूडेंट आपको प्रेगनेंसी के बारे में अध्ययन कराया जाएगा थोड़ा सा और डिटेल में, और उसके बाद लैक्टेशन, प्रसव, दुग्ध श्रावण, लैक्टेशन दुग्ध श्रावण और पास्चुरेशन प्रसव के बारे में थोड़ा अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको प्लेसेंटा बताया गया था कि जो प्लेसेंटा है वो कोरियानिक विलाई और गर्भाशय ऊतक से मिलकर बनता है। प्लेसेंटा का कार्य जो है वो भ्रूण को पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन को पहुँचाना होता है, जबकि इसके साथ ही भ्रूण से ही नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों तथा CO2 को बाहर निकालने का कार्य करता है। प्लेसेंटा कुछ हार्मोन को भी श्रावण करता है, जैसे ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रॉपिन हार्मोन, लैक्टोजेन, प्रोजेस्ट्रान इत्यादि। ये स्टूडेंट आपका प्लेसेंटा है। इस वीडियो में आपको भ्रूण या उससे कुछ संबंधित और बातें बताई जाएंगी। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, आपको नोट में बताया जा रहा है निषेचन के बाद नोट में कि भ्रूण के अंतर कोशिकीय समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें यह क्षमता होती है कि वो नए ऊतकों का निर्माण कर सके और अंगों का निर्माण कर सके। उन्हीं कोशिकाओं का आप स्टीम सेल कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, स्टीम सेल क्या होता है, एक नंबर में या शार्ट नोट लिखने के लिए आपको आएगा कि स्टीम सेल से आप क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, तो उसके अंतर की कोशिका को आप कहेंगे स्टीम सेल। इस कोशिका में यह खास बात होती है कि इसमें विभाजन बड़ी तेज़ी से होता है, ऊतकों का निर्माण बड़ी तेज़ी से होता है, जिससे ये अंग बहुत तेज़ी से निर्मित करती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को आप कहते हैं स्टीम सेल। आगे स्टूडेंट आप देखिए, नोट में ही है कि आप पढ़े हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और ओबा आपस में मिल जाते हैं तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जायगोट का निर्माण होता है, और उसके बाद मारुला, ब्लास्टोसिस्ट, ग्रास्टुला सब निर्मित होते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। यहाँ देखिए, मानव में जो प्रेगनेंसी है, सगर्भता की अवधि 9th मंथ की होती है, 9 मंथ की। 1 मंथ की सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, जो मनुष्य में प्रेगनेंसी है वो लगभग 9 महीने की होती है। 9 महीने बाद कह सकते हैं डिलीवरी या प्रसव की क्रिया होती है। तो 9 महीने में पहले महीने में स्टूडेंट आप ध्यान दें, हृदय का निर्माण होता है, या कह सकते हैं भ्रूण में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है, तो आप स्टूडेंट बताएंगे हृदय के। हृदय की धड़कन या जिसकी धड़कन स्टीथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है, जिसे गांव की भाषा में बोला जाता है आला। तो स्टूडेंट जिसका कॉमन नेम आला है, उसकी सहायता से या इसका जो मुख्य नाम है स्टीथोस्कोप, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखा गया है स्टीथोस्कोप है, जिससे आप हृदय की धड़कन को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सगर्भता के 2 माह के अंत तक भ्रूण में अंगुलियों का निर्माण हो जाता है, जबकि आप कह सकते हैं 12 सप्ताह या 1st तिमाही तक लगभग सभी अंगों की रचना हो जाती है। स्टूडेंट ध्यान दें, 2 माह के अंत तक भ्रूण में अंगुलियों का निर्माण हो जाएगा, हाथ पैर की जो अंगुलियां हैं वो निर्मित हो जाएंगी। अब 1st ट्राइमेस्टर या 1st तिमाही या 12 सप्ताह में लगभग सभी अंगों की रचना का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, लगभग 12 सप्ताह या 3 महीने में, या इसे 1st ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें भ्रूण में सभी अंग क्या हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। तो स्टूडेंट पहले मंथ में क्या निर्मित होता है, हृदय, जबकि आपका 2 मंथ में अंगुलियां बन जाती हैं, और 3 महीने के अंत तक भ्रूण में सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, 5 मंथ
5 मंथ के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना आना समांतर देखा जा सकता है। स्टूडेंट ध्यान दें, मत 5 मंथ के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना आ जाता है या समान रूप से देखा जा सकता है। लगभग 24 सप्ताह या दूसरी तिमाही के अंत तक पूरे शरीर पर बाल निकल आते हैं तथा आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, 24 सप्ताह या दूसरी तिमाही कह सकते हैं आपका 6 महीने हो गए, 6 महीने के अंत तक शरीर पर पूरे बाल निकल जाते हैं भ्रूण के और आँखों पर जो पलकें होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। और 9वें महीने के अंत तक स्टूडेंट गर्भ पूरी तरह से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपका 9th मंथ की प्रेगनेंसी थी जिसमें प्रथम महीने में आपको हृदय बनता है या कह सकते हैं भ्रूण में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है, तो आप आंसर देंगे हृदय का। 2 महीनों में हाथ पैर की अंगुलियों का निर्माण हो जाता है और 3 महीने तक लगभग सभी अंगों का निर्माण हो जाता है। उसमें सेक्स ऑर्गेन भी सम्मिलित होते हैं। सेक्स ऑर्गेन को हम चेक कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है लगभग 3 महीने के अंत तक। स्टूडेंट, इसके साथ ही 24 सप्ताह या दूसरी तिमाही सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक शरीर पर बाल निकल आते हैं और आँखों पर जो पलकें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो गर्भावस्था के अंत कह सकते हैं अंत तक जो 9वां महीना है अंत तक गर्भ पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अगला हेडिंग आपको स्टूडेंट प्रसव एवं दुग्ध श्रावण है हेडिंग, तो ये आप देखिए सगर्भता के अंत में, सगर्भता जो प्रेगनेंसी है उसके अंत में गर्भ बाहर निकल जाता है, इसी को शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। सगर्भता के अंत तक गर्भ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इसी को शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन स्टूडेंट है जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के से स्रावित होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो गर्भाशयी पेशियों पर कार्य करता है, उसमें संकुचन बड़ी तेजी से उत्पन्न करता है, इस संकुचन के कारण प्रसव में सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, बच्चे के जन्म में या कह सकते हैं डिलीवरी में या प्रसव में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो आंसर आप देंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन करता क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी ऊतक या मांसपेशियों में जोरदार संकुचन उत्पन्न करता है जिससे गर्भ बाहर आता है, इसी को आप कहते हैं शिशु जन्म प्रसव कहा जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, सगर्भता के अंत तक मेमरी ग्लैंड से दूध उत्पन्न होने लगता है। स्टूडेंट ध्यान दें, सगर्भता के अंत तक मेमरी ग्लैंड से दूध उत्पन्न होने लगता है, इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। माँ का प्रथम गाढ़ा दूध जो होता है पीले रंग का, उसे खीस या कोलेस्ट्रम कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, माँ का सबसे प्रथम दूध मिल्क बहुत ही गाढ़ा होता है, इसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम या खीस। तो एक नंबर में आप स्टूडेंट जानते रहिए कि कोलेस्ट्रम या खीस क्या होता है, कोलेस्ट्रम माँ का प्रथम गाढ़ा मिल्क होता है। स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं जिससे बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होते हैं या कह सकते हैं यह शिशु में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है। स्टूडेंट ध्यान दें फिर से, सगर्भता के अंत में जो सगर्भता है प्रेगनेंसी है उसके अंत में मेमरी ग्लैंड से दूध उत्पन्न होने लगते हैं और माँ के प्रथम गाढ़े मिल्क को आप कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये आपको है। माँ का प्रथम गाढ़ा मिल्क खीस या कोलेस्ट्रम कहा जाता है जिसमें एंटीबॉडी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें, इस एंटीबॉडी बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब स्टूडेंट, ये आपका एंटीबॉडी जो है
शिशु में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर आपका लगभग समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर आपका जनन स्वास्थ्य का अध्ययन कराया जाएगा, तो इस वीडियो में आपको, थैंक यू।